भाई रज्जत दलाल कैसा लग रहा है आप लोगों को? काफी ज्यादा अलग सा ही दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में बाहर कुछ और है, अंदर कुछ और है। तो क्या ये एक्चुअली में जो अंदर दिखाई दे रहा है वो असली रज्जत दलाल है, या जो बाहर जो लड़कों को अपने कमजोर अपने सामने कमजोर लोगों को मारता पीटता है और आंखें दिखाता है, काफी ज्यादा गुंडागर्दी करता है, या वो रज्जत दलाल असली है? काफी सारे लोगों का और मेरा भी मानना ये है कि रजत दलाल कहीं ना कहीं अभी स्टार्टिंग में जो है अपनी इमेज को क्लियर करने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे जो इतने ज्यादा नेगेटिव आप लोग सोचते हो, मैं नेगेटिव नहीं हूं, मैं काफी ज्यादा पॉजिटिव बंदा हूं। अब रजत दलाल अपने साथ हुई हुई काफी सारी चीजों के बारे में जो है, जब भी उनको कोई भी ऐसा सुनने वाला कंटेस्टेंट मिलता है, बंदा मिलता है, बंदी मिलती है, तो वह पर वो बोलना शुरू कर देते हैं, अपनी बात को क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अलग अलग जगह पर जाके जो है मैं एक ही टॉपिक को बार 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 बोलूंगा, उसमें से कहीं तो जाके बाहर कट करके फुटेज तो मेरी डलेगी। इन्होंने बोला कि भाई चाहत के बारे में बात कर रहे थे कि चाहत बड़ी फेक है। मैं जब स्टार्टिंग में आया तब मैंने हाथ मिलाया तो इन्होंने मेरे को बोला कि भाई आपका हाथ जो है सही ढंग से आपने मिलाया नहीं। तो वहां पर ईशा और शहजादा भी बैठा था, तो ईशा ने बोला कि मतलब इसका मतलब क्या है, मतलब कि ये तो बहुत ही बैड इमेज जो है घर के बाहर जाएगी। तो बोला वही तो बात है, बट मैं वहां पर चुप हो गया, तो मैं क्या बोलता। इसके साथ चुम ने जो सब चीजें की, मैं वहां पर भी चुप था, वहां पर भी ये खड़ी थी, काफी सारी चीजें हुई, मैंने इसको ऑब्जर्व कर रहा था। और फिर मैंने बैठा और बैठ के मैंने इसको बोला कि चल तू अपनी कहानी सुना, तेरी लाइफ की कहानी क्या है। मैं ऐसा करके बैठा रहा और ये बोल रही है मैं 12 साल की थी, मैं बोरी पे बैठती थी, वहीं पे खाना खाती थी, मेरे पापा एक्सपायर हो गए, मेरे पापा की ये था कि वो मुझे जो है एक्टिंग करवाए, मेरी मम्मी ने 2 लाख रुपया कैसे तैसे करके जो अपनी ज्वेलरी बेची, मुझे मुंबई लेके आए, फिर वहाँ पर जो है उन्होंने मेरे इतनी ज़्यादा मेहनत की, मुझे खाना बनाना सिखाया, मुझे पीजी में रखा, ये किया, मेहनत की, और आज जो है मैंने 10 शॉप्स खरीद ली है, एक होटल खरीद लिया है, और काफी सारी चीजें जो है वो अच्छी हो चुकी है। कि जब ये सब चीजें बोल रही थी अपने पास्ट के बारे में, तब ये राइट ये लेफ्ट साइड में देख रही थी, मतलब कि सोच के बोल रही थी, और राइट साइड में जो देखता ना वो एक्चुअली में देखता नहीं, तो बंदा बोलता रहता है, तो ये बहुत ही ज्यादा फेक है। जहां पर ईशा और शहजादा का भी कहना ये है कि हाँ भाई ये झूठ बोलती है, फेक है, बनावटी है, तो जहां पर रजत ने बोल दिया कि भाई ये तो पूरी फेक है, चाहत के लिए तो फेक बातें बोल रही हैं यहाँ पर रजत दलाल। पर रजत दलाल आखिरकार आप खुद कितने ज्यादा रियल है, अभी तक ये रियलिटी इन्होंने अपने सामने नहीं लेके आए। इनका कहना ये है कि भाई जब बग्गा के साथ हुई थी लड़ाई तब उसने मेरी इमेज गलत डाली, तो मुझे ऐसा लगा है कि जब वो बाहर आएगा जेल से तब मैं उसके साथ ये चीजें क्लियर करूंगा। भाई क्लियर करने की क्या वो है, ऑलरेडी क्लियर हो चुकी है। अगर आपको पता भी चला कि भाई आपको पता नहीं था कि कोई वीडियो बना रहा है, और अगर आपको पता भी चला कि आपकी गाड़ी से थोड़ा बहुत कोई टच लग के या थोड़ा सा कोई गिर गया है, तो आपको वहीं के वहीं गाड़ी रोक के पीछे जाके उस बंदे की हेल्प करनी चाहिए थी, तब आप सही लगते, तब वो भी चीज़ तो रिकॉर्ड होती, पर आप तो चले गए। तो ये चीज़ तो आपको और आपके घर वालों को सुनने के लिए मिलनी थी, क्योंकि आप थे ही गलत। क्या कहते हैं आप लोग, बताइए ज़रूर। अभी तक रजत अपनी इमेज को बस क्लियर करने की कोशिश कर रहा है, पर ये रजत नहीं है, रजत वो है जो बाहर ही था। क्या है कहना। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाज़त, नमस्कार।